और लालू और तेजस्वी ने ही भेजा है उनको भाजपा में। नीतीश अपने मर्जी से नहीं गए हैं, जरूरत पड़ता है तो गधे को बाप बनाया जाता है हमारे, हम जानते हैं ना। तो इस समय जरूरत है, 5-7% वोट है नीतीश कुमार का, मिल जाएगा। उसके बाद से फिर बिना छीला बांस कबड्डी 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 3 महीने के लिए लोकसभा चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद से बजाया जाएगा। कि तुम्हारा लालू कितनी बार पलटा, तुम्हारा तेजस्वी कितनी बार पलटा, तुम्हारी राबड़ी कितनी बार पलटी है जवाब। पिछला खिचड़ी को जानते हैं, राबड़ी देवी ठुमुक ठुमुक जाके टीका लगाई, आई आई टीका तब नहीं लगा, तब पलटू चाचा नहीं दिखे। और इनके सर पे मुरेठा वाला ला के बिठा दिया, 3 महीने की औकात टाइम दिया है, 3 महीने के बाद इनका श्राद्ध होगा। और लालू और तेजस्वी ने ही भेजा है उनको भाजपा में, नीतीश अपने मर्जी से नहीं गए हैं। लालू और तेजस्वी लात मार के खदेड़े हैं नीतीश कुमार। लालू यादव समझ रहे थे कि अब 6 महीना सैलरी तो किसी को मिलेगा नहीं अगर यहाँ रहेंगे, खदेड़ो अब मोदी देगा, सारा कांटा का ताज मोदी पहने, बिहार की जनता भी कम दोषी नहीं है। जब तक आप लोग जाति पर वोट देते रहेंगे तब तक नीतीश और लालू जैसे नेता पैदा होते रहेंगे। और यहाँ आके लोहा पीटिए, गार्ड की नौकरी करिए और जूता खाई। इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगाई थी ना, नीतीश कुमार लालू यादव सुशील मोदी सब कहाँ के पैदाइश है, इमरजेंसी के। लालू यादव मीट किसको बना के खिला रहे थे, राहुल गांधी को। ये लालू बात करेंगे, ये सब लोग कांग्रेस के खिलाफ में पैदा हुए। आपको नहीं लग रहा है बीजेपी गलत कर रही है, बार बार जब छोड़ के जा रहे हैं फिर से दामन हाथ। दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है, पता नहीं बिहार की जनता का कोई भरोसा है। वही जनता है ना बिहार की हरा दी थी। बिहार का बजट कितना है, 70,000 करोड़, खर्चा कितना है 2.5 लाख करोड़ रूपए, 2 लाख लोगों को और नौकरी दे दी, साल में 2 लाख करोड़ और चाहिए, देगा कौन? ये लालू और तेजस्वी और आरजेडी वाले जानबूझ के नीतीश कुमार को इतना गाली दिए हैं। लालू यादव की बेटी गाली देती थी, सब लोग मिलके जानबूझ के माहौल बनाए हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएं। असली कारण यहाँ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरी भारत में। जी हाँ, फिर से राजनीति गर्माहट में आ चुकी है, ठंड में पूरा गर्मी फील हो रहा है आपको, या बोलिए बिहार की राजनीति या फिर दिल्ली की। जी हाँ, अमित शाह से मोदी से लेके तेजस्वी लालू सारे परेशान हैं कि फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मार चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले ये चीज बताइए कि पलटू चाचा लोग बोल रहे हैं और चारों तरफ ट्वीट हो रहा है, हर लोग कह रहे हैं क्योंकि वो फिर से पलट चुके हैं, मतलब लालू जी का दामन छोड़ के फिर से उन्होंने मोदी का दामन पकड़ लिया। अच्छा, कहाँ पलट गए हैं? वही जहाँ रहते हैं, अपने गद्दी से पलट के दूसरे गद्दी। लालू यादव नहीं पलटे हैं? लालू यादव नहीं पलटे हैं, अब आप बताएंगे ना। अच्छा, मीसा भारती किसके नाम पे रखे थे, उनको जेल कौन भेजा था? कांग्रेस। वो जनसंख्या नियंत्रण उस समय संजय गांधी का अभियान चला था, ठीक ना, हर व्यक्ति को पकड़ पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था, उसी के विरोध में ये 9 बच्चा कर लिए, ठीक ना भाई। जो कहा जाता है ना कि बिहार में बहुत जयप्रकाश नारायण के धरती है और यहाँ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी लगाई थी ना, नीतीश कुमार लालू यादव सुशील मोदी सब कहाँ के पैदाइश है, इमरजेंसी के, इमरजेंसी के। और लालू यादव मीट किसको बना के खिला रहे थे, राहुल गांधी को। किसके गोद में खेलते हैं, कांग्रेस के। लठैत किसके हैं, सोनिया गांधी के। तो तुम लालू यादव तू कितनी बार पलटा, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, अभी आरजेडी वाले हो, तुमको खुला चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया तो मेरे बात का जवाब दो कि तुम्हारा लालू कितनी बार पलटा, तुम्हारा तेजस्वी कितनी बार पलटा, तुम्हारी राबड़ी कितनी बार पलटी है, तुम है जवाब दो ना मुझको। नीतीश कुमार पलट के प्योर हो गए क्योंकि बीजेपी में आ गए। नीतीश कुमार तो पलटू है, लेकिन लालू कौन दूध के धुले हुए हैं? अरे कहे वो जिसके जिसके जो साफ हो। नरेंद्र मोदी कहाँ पलटी किए हैं? कल का सिद्धांत आरएसएस से निकला हुआ, आज भी आरएसएस जो भगवा का झंडा है उसके आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये लालू बात करेंगे, ये सब लोग कांग्रेस के खिलाफ में पैदा हुए, आज उसी कांग्रेस के गोद में जाकर खेल रहे हैं। पहले अपना चरित्र देखो यार, जब लालू यादव के साथ थे नीतीश कुमार अच्छे और आज पलटू चाचा हो गए। इसके पहले तो तेजस्वी रोज रोज, अरे अरे राबड़ी देवी का जब खिचड़ी पिछला खिचड़ी को जानते हैं, राबड़ी देवी ठुमुक ठुमुक जाके टीका लगाई, आई 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 टीका तब नहीं लगा, तब पलटू चाचा नहीं दिखे। हाँ, राबड़ी देवी जब टीका लगा रही थी, ताली ठुमुक ठुमुक चल रही थी, माँ टीका लग रहा था। और रहो सुनिए, थाली लेके उतारा जा रहा था आरती, भाजपा वाला आरती उतारा है। आज भी कहा है पहले इस्तीफा दो फिर हम बात करेंगे, और इनके सर पे मुरेठा वाला ला के बिठा दिया, 3 महीने की औकात टाइम दिया है, 3 महीने के बाद इनको इनका श्राद्ध होगा। मतलब जितने भी बीजेपी वाले हैं उनके हिसाब से नीतीश कुमार मतलब दूध के धुले हो गए बीजेपी में फिर से। कहाँ दूध के धुले हुए,
आप तो ऐसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ता है तो गधे को बाप बनाया जाता है हमारे, हम जानते हैं ना। हाँ, तो इस समय जरूरत है, 5-7% वोट है नीतीश कुमार का, मिल जाएगा। उसके बाद से फिर बिना छीला बांस कबड्डी 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 3 महीना के लिए लोकसभा चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद से बजाया जाएगा। पूरे देश में थू थू हो रहा है, नीतीश कुमार बार बार पलट रहे हैं, ऐसे राजनीति होता है क्या? नीतीश कुमार का जब यही चरित्र है, नहीं जाते। लेकिन यह कौन, लालू यादव तो बुला लिए थे कि आपको सीधे प्रधानमंत्री बना देंगे। राहुल गांधी कहे कि बस बस बस, अब संयोजक भी नहीं बनाए, क्या दिया जब लालू यादव अपना काम कर ले गए, फायदा किसका हुआ? असली फायदा लालू यादव को हुआ, असली फायदा लालू यादव को और तेजस्वी को हुआ। बीजेपी को भी तो फायदा हुई है। कौन सा बीजेपी? 2024 इलेक्शन। अरे वैसे भी राम के नाम पे जीत जाते, लेकिन असली फायदा लालू यादव को हुआ। क्या पूछिए, क्यों क्या फायदा यह हुआ? जाति जनगणना करा के अब तेजस्वी कल घूम के कहेंगे कि मैं नौकरी दे रहा था, मैं जाति जनगणना कराया था, मैं आरक्षण बढ़ाया था, देखो हम कितने अच्छे हैं। करवाया किया नीतीश कुमार ने, अब एक बात बताइए, करवा लिए और लालू और तेजस्वी ने ही भेजा है उनको भाजपा में। नीतीश अपने मर्जी से नहीं गए हैं, लालू और तेजस्वी लात मार के खदेड़े हैं नीतीश कुमार को। कैसे कह सकते हैं? भाजपा का ये बताइए, बिहार का बजट कितना है? 70,000 करोड़ रुपए। खर्चा कितना है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख लोगों को और नौकरी दे दिए, साल में 2 लाख करोड़ और चाहिए, देगा कौन? देगा कौन? लालू यादव समझ रहे थे कि अब 6 महीना सैलरी तो किसी को मिलेगा नहीं अगर यहाँ रहेंगे तो। खदेड़ो, अब मोदी देगा, सारा टोपी अब मोदी पहने, सारा कांटा का ताज मोदी पहने, और यह अब जाके घूम घूम बिहार में प्रचार करें कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे। कहाँ कहें कहें, अब सारा षड्यंत्र तेजस्वी का है और क्या। ये लालू और तेजस्वी और आरजेडी वाले जानबूझ के नीतीश कुमार को इतना गाली दिए हैं। सुरेंद्र यादव गाली देते थे, सुनील सिंह गाली देते थे, लालू यादव की बेटी गाली देती थी, सब लोग मिल के जानबूझ के माहौल बनाए हैं कि किसी तरह से नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएं। असली कारण यहाँ है, दूसरा कोई जिम्मेदार थोड़े है। क्या लगता है कि 25 में कौन जीतेगा? ऐसा यदि वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, जनता से पूछ लीजिए, ये है ना, भीड़ से पूछ लीजिए। कहने वाली बात है, अब की बार 400 पार, 400 पार इसलिए कि विश्वनाथ लाना है और कान्हा को ले जाके वहीं माखन खिलाना है, ठीक ना, और पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए इस बार चाहिए 400 पार। और उसी के अभियान के तहत नीतीश कुमार को लाया गया है। मोदी नहीं चाह रहे हैं कि कहीं इतना भी लूज पॉइंट हो। आपको नहीं लग रहा है बीजेपी गलत कर रही है? बार बार जब छोड़ के जा रहे हैं, फिर से दामन हाथ में पकड़ ले रही है भाई। अच्छा, 2015 में हार गए थे, कोई जानता है? ये दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है, पता नहीं बिहार की जनता का कोई भरोसा है? वही जनता है ना बिहार की हरा दी थी। अरे तो अमित शाह कसम खाए थे कि अब कुछ भी होगा हम नहीं उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो हराया किसने? बिहार की जनता ने हराया। एक बार मौका दिया, एक बार मौका तो बीजेपी जब सेल्फ लड़ती है, अकेले लड़ती है, तो हराता कौन है? क्या करे भाई मोदी और अमित शाह? आपने जो दिया है उसी हिसाब से आपको दिया जा रहा है। जब लालू नीतीश मिल गए थे तो हार गए थे ना, उस समय आपको बहुत बहुत बिहार के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो पिछड़ा का हो गया, स्वाद आ गया, मजा आ गया। आप लोगों के करनी क्या, आप जो कह रहा है ना वो खुद अपने मुंह पे थूक रहा है। बिहार की जनता भी कम दोषी नहीं है। जब तक आप लोग जाति पर वोट देते रहेंगे तब तक नीतीश और लालू जैसे नेता पैदा होते रहेंगे, और फिर आप धक्का खाते रहेंगे, और यहाँ आके लोहा पीटिए, गार्ड की नौकरी करिए और जूता खाइए, और पूरे बिहार को बदनाम करिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं है। जब देश पूरा अलग जा रहा है तो आप क्यों अलग जा रहे हैं? देश में भाजपा का मूड है, अभी भाजपा का मूड बनाओ, चलो एक तरफ, देखो बिहार बदलेगा। भाजपा कहाँ से रहा, फिर से तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया जेडीयू को, फिर से दामन था। 3 महीने के बाद खदेड़ देगा हाँ। पक्का? और जाएगा 2025 में भाजपा लड़ेगी और जब मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय बताना कि किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री।